वेलकम टू नौसिखिया। दार्जिलिंग के इस सफ़र में मेरे साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हम एक ऑटो करके सीधा सिलीगुड़ी पहुँचेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी पहुँचने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगा था। ये सिलीगुड़ी का बस स्टैंड है। यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ मिलती हैं, बसेस भी करके हम सीधा दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। सो हमने भी एक गाड़ी की और फिर सीधा दार्जिलिंग की तरफ निकल गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये फील होता जाएगा कि जो हमारे आसपास का वेजिटेशन है वो भी हमारे साथ चेंज हो रहा है और ज़्यादा हम ग्रीनरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे हिल्स भी दिखने लगे थे। चूँकि हम जून में गए थे तो उस टाइम नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पे पहुँच के हमें बहुत सुकून का एहसास हो रहा था। और धीरे धीरे जितनी भी चिंताएं थीं, जितना भी स्ट्रेस था जो हम घर से लेके निकले थे, वो इन्हीं रास्तों के साथ पीछे छूटता हुआ चला जा रहा था। और रास्ते में बिल्कुल बोरियत भी नहीं महसूस हो रही थी कि जैसे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचने में लगभग हमें 4-5 घंटे लगे, लेकिन वो पता नहीं चला क्योंकि आसपास देखने को इतना कुछ नया था कि टाइम पास हो गया। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, सब कुछ बहुत अलग था, तो वो सब एक्सप्लोर करने में अच्छा लग रहा था। यहाँ बीच में हमने रास्ते में कहीं एक जगह रुक के एक रेस्टोरेंट में, लोकल रेस्टोरेंट में मोमोज भी खाए थे, जिनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जो कि वैसे यूजुअली हमें हमारे सिटीज़ में नहीं मिलता है वैसा टेस्ट। ये हमारा 2 दिन का टूर था, लेकिन हमारा पहले दिन का मैक्सिमम हिस्सा इसी ट्रैवल में निकल गया। हाफ डे ही हमारे पास फिर बचा था वहाँ जाकर। धीरे धीरे जैसे जैसे हम दार्जिलिंग के करीब पहुँच रहे थे, वैसे वैसे घर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगे थे। और रास्ते में हमें टॉय ट्रेन भी चलती हुई दिखाई दे रही थी। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन बहुत मशहूर है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहते हैं इसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग टाइम क्रंच की वजह से हम लोग इसमें नहीं बैठ पाए थे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो इसका लुत्फ ज़रूर उठाएं। ये है वो टॉय ट्रेन। सो अब हम अपने गेस्ट हाउस के बहुत करीब आ चुके हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऑब्वियसली सो आमतौर पे जो रेलवे के गेस्ट हाउसेज होते हैं वो थोड़ी चढ़ाई करने के बाद ऊपर जाके होते हैं, तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर चढ़ाई की, उसके बाद फिर हम अपने गेस्ट हाउस तक पहुँच गए। और फिर वहाँ पहुँच के जो हमने देखा, उसने हमारे अंदर की जितनी भी जो बची कुची थकान थी वो भी निकाल दी। गेस्ट हाउस के सामने से नज़ारा कुछ ऐसा था, सामने पूरा शहर दिखाई दे रहा था और बगल में जंगल था, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो ये था वो गेस्ट हाउस और ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ का माहौल बहुत पीसफुल था, ज़्यादा लोग नहीं थे तो बहुत शांत महसूस हो रहा था, और सामने पहाड़ थे तो वो भी एक शांति का एहसास करा रहे थे। यहाँ की बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम सीधा घूमने निकल गए। क्योंकि अब हम लोग के पास ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा हुआ था, रात होने लगी थी, तो हमने सोचा कि पास में ही मॉल रोड है तो वहीं पे घूम आए। वो ज़्यादा दूर नहीं था तो हम लोग पैदल ही निकल लिए और 10-15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। रात में भी ये शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। यहाँ पे लोगों की चहल पहल बहुत है,
और हाँ यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। तो जैसे ही हम लोग मॉल रोड के एंट्रिंग पॉइंट पे पहुँचे, वैसे ही वहाँ पे कई सारी दुकानें थी, जैसे कि ये शॉल्स की। शॉल्स काफ़ी ही खूबसूरत थे लेकिन थोड़े प्राइस में महंगे थे, यहाँ बारगेनिंग काफ़ी चलती है। बाकी का जो मॉल रोड था वो भी काफ़ी रौनक भरा था और फूड स्टॉल्स काफ़ी लगे हुए थे लेकिन ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन थे। तो अब हम जो सामने देख रहे हैं वो मॉल रोड के बिल्कुल अंदर जाके एंड पॉइंट पे एक अलग से स्ट्रीट है, वहाँ पे ये सब शॉप्स लगी हुई हैं। बहुत ही नैरो स्ट्रीट है लेकिन यहाँ पे जो सामान है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वो प्राइस में भी चीपर था, तो हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी परचेजिंग की। उसके बाद हम सीधा अपने गेस्ट हाउस आ गए और वहाँ पर खाना खाने के बाद हम सो गए। अब हमारा जो बाकी का सफ़र होगा वो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, जिसे आप देख पाएंगे दार्जिलिंग टूर के पार्ट 2 में। तो प्लीज़ उसे देखना ना भूलें और उसे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चली जाए। सो इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।